हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी इन फैशन। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेशिया के बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस फॉर बेबी गर्ल्स, बिकॉज क्रेशिया के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे लगते हैं और क्रेशिया के जो काम होता है वो बहुत ही नफीस और बहुत ही उमदा होता है, बहुत ही डिजाइनिंग के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर कम्बिनेशन के साथ ज़्यादातर लाइट कलर ही आपको दिखेंगे छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों के लिए फ्रॉक्स के डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रॉक्स के डिज़ाइन जो कि आप क्रेशिया में के खुद घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हासिल करते रहे नए नए लेटेस्ट आइडियाज। थैंक यू फ्रेंड्स। आपने जब भी बच्चियों के लिए क्रेशिया के ड्रेसेस तैयार करने हैं तो फ्रेंड्स आपने उनके साथ हेड बैंड्स भी ज़रूर तैयार करने हैं, या फिर आपने उनकी जो हेयर पिंस होती हैं उनके ऊपर आपने क्रेशिया से छोटे छोटे फ्लावर्स ज़रूर बनाने हैं, ताकि वो मैचिंग बन जाए और बहुत ही खूबसूरत दिखें। इसके अलावा आपने स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी वर्क कर देना है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फ्रॉक की पेटी पे भी थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत ज़्यादा आइडियाज ले सकते हैं आप इसमें से, बहुत ज़्यादा कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह रिबन का यूज़ किया गया है, स्लीव्स के डिज़ाइन किस तरह से बनाए गए हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं नेट के डिज़ाइन को, कौन सा पैटर्न कहाँ पर यूज़ किया गया है, ये सारे आइडियाज़ आप इस वीडियो में ले सकते हैं। सो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाले बटन